Hi guys, welcome back to my channel Radiant Revive. I hope you all are doing good. So जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो एक मेकअप वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपना मेकअप करती हूँ और ये मेकअप बिल्कुल भी 10 मिनट से ऊपर नहीं लेता है अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अपने फेस को क्लीन करने का एक बहुत ही जेंटल फेस वॉश से या फेस क्लेंजर से। तो मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद बिकॉज विंटर का टाइम है तो हम अपने स्किन को अच्छे से करेंगे मॉइस्चराइज एक बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइजर से। तो मैं अभी यूज कर रही हूँ, ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, दिस इज अर्थ रिदम का फाइटो सेरामाइड मॉइस्चराइजर और ये ड्राई स्किन के लिए है। बट क्योंकि मेरी नॉर्मल स्किन है तो ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। तो मैं इसका अभी एक ही पंप लूंगी और इसको डॉट बाय डॉट करके मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी अच्छे से। मेक श्योर करना है कि आपको अच्छे से अपना फेस हाइड्रेट करना है और अच्छे से इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है, बिकॉज अगर आपका फेस जो है वो ड्राई रहेगा और मॉइस्चराइज नहीं होगा तो आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छे से टिकेगा नहीं और बहुत ज्यादा केकी लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है लिप्स को हाइड्रेट करने का। तो जब तक मैं मेकअप करूंगी मेरे जो लिप्स हैं वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे और लिप्स प्लम्प रहेंगे और जब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो उसका जो एप्लीकेशन है वो भी काफी स्मूथ रहेगा। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ डॉट एंड की ग्लॉस बॉस लिप बाम। मैं जरा सी लेती हूँ इसको बिकॉज इसका पिगमेंट बहुत ज्यादा है, तो जरा सी लेके मैं इसको कर लूंगी अप्लाई। क्योंकि मुझे बाहर जाना है मेकअप करने के बाद तो मैं यूज करूंगी सनस्क्रीन, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी अर्थ रिदम की SPF 50 सनस्क्रीन। टू फिंगर रूल और इसको अच्छे से मैं अपनी स्किन में अप्लाई कर लूंगी। ओके, क्योंकि ये बेसिक वाला मेकअप रूटीन है जो मैं यूजुअली फॉलो करती हूँ जब भी मुझे ऑफिस जाना होता है या कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जाना होता है। तो मैं इसमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रख रही हूँ, प्राइमर मैं स्किप करती हूँ। अब मैं यूज करूंगी थोड़े से ग्लो के लिए ये विटामिन सी क्रीम फ्रॉम मामा अर्थ। ये थोड़ा सा हाइड्रेट भी कर देती है फेस को और बहुत ही अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करती है। तो मैं ज्यादा नहीं लेती वरना बहुत ज्यादा फेस हाईलाइट लगता है। मैं हाईलाइटर नहीं यूज करती हूँ, मैं हाईलाइटर की जगह इसे ही यूज करती हूँ क्योंकि इससे स्किन जो है वो मॉइस्चराइज भी हो जाती है और एक ग्लो भी प्रोवाइड हो जाता है उससे। मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी जहां जहां मुझे ग्लो चाहिए अपने फेस पे। मेनली तो मैं इसको अपने चिक्स पे ही अप्लाई करती हूँ। अब इसके बाद में मैं प्राइमर को स्किप कर रही हूँ और मैं सीधा लगाऊंगी बीबी क्रीम, क्योंकि मुझे अपना जो बेस है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए इसीलिए मैं बीबी क्रीम अप्लाई करूंगी जिससे एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल कवरेज प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम मैं अप्लाई करती हूँ और थोड़ी सी लेके मैं अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लूंगी। और जब भी मुझे कहीं जाना होता है, मुझे हैवी मेकअप नहीं करना होता है, तो मैं अपनी फिंगर्स का यूज करती हूँ मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। बस कंसीलर के केस में मैं थोड़ा सा ब्रशेस का यूज करती हूँ ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और आईज के अराउंड मेरा जो मेकअप है वो पैची ना लगे। तो मैं डॉट डॉट करके इसको हर जगह अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे और बाकी का जो बचा उसे मैं अपनी फिंगर्स पे रब करके अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होती है और एक नेचुरल सी फिनिश देके जाती है आपके फेस पे। मेक श्योर करना है कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल भी रेजिड्यू ना छूटे इसका, वरना वो बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है फिर। नाउ अब मैं कंसीलर यूज करूंगी। फॉर कंसीलर मैं ये स्विस ब्यूटी का लाइट मोइन शेड में कंसीलर यूज करूंगी और इसको मैं थोड़ा सा यूज करूंगी, मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगी। सो मैं बस अपनी आईज के साइड में हल्का सा और आईज के आगे हल्का सा, सेम यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे पिंपल हुआ था थोड़ा सा यहाँ पे, बाकी तो मैं कहीं अप्लाई नहीं करती। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश का भी यूज कर सकते हो और आप इसे ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हो। मैं भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ, ये वाला, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था। और आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप इसको वेट करके ही अप्लाई करो, अदरवाइज ये अच्छे से ब्लेंड नहीं करेगा। डन विद द कंसीलर। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने जितना भी मेकअप किया है, कंसीलर लगाया या बीबी क्रीम लगाई है, उस सबको सेट कर देना होता है क्योंकि आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा भी फेस जो है ऑयली दिख रहा है। तो एक मैट फिनिश देने के लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी फेस पाउडर लेना है और ब्रश की हेल्प से आपको उसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। तो मैं ये वाला ब्रश यूज कर रही हूँ, दिस इज कंसीलर ब्रश फ्रॉम मार्स, मैंने इसका भी डिटेल रिव्यू बना रखा है। तो मैं हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेके, कॉम्पैक्ट पाउडर भी मेरा स्विस ब्यूटी का ही है, मैं बेक कर दूंगी कंसीलर को जहां जहां मैंने अप्लाई किया है। अब
आपकी मर्जी है आपको आई शेडो लगानी है या नहीं लगानी है। अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे अप्लाई करना है तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं अप्लाई नहीं करती, बट अगर मुझे जैसे फ्रेंड्स के साथ जाना होता है तो मैं अप्लाई करती हूँ। तो अभी मैं आपको ज़रा से अप्लाई करके बता देती हूँ। तो आई शेडो के लिए मैं अपनी फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि फिंगर्स से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये वाला आई शेडो पैलेट मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें सारे ही शिमरी शेड्स भी हैं और सारे ही मैट शेड्स भी हैं, तो बहुत ही अच्छा पैलेट है न्यूड मेकअप करने के लिए। तो मैं हल्का सा ये वाला शिमरी शेड लूँगी ताकि आईज थोड़ी सी हाईलाइटेड लगे और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी तो मिरर की हेल्प से, बिकॉज मुझे नहीं दिखता अच्छे से शूट करते टाइम। हल्का हल्का सा बिल्कुल अप्लाई करूंगी ताकि नो मेकअप मेकअप वाला लुक क्रिएट हो जाए। हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है, आप दोनों आईज में अगर अच्छे से देखो तो हल्का सा डिफरेंस दिख रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है और थोड़ा सा इधर भी। तो अब हम अप्लाई करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट भी है एंटायर मेकअप रूटीन का, वो है ब्लश अप्लाई करना। ब्लश से ना एकदम से, मतलब अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ मतलब कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ग्लोई तो दिया है फेस पे, ब्लश अप्लाई करने से एकदम से डिफरेंस पता लग जाता है। ये पिंक वाला शेड लेके ये ब्लश मैंने आपको बता रखा है, दिस इज फ्रॉम नायका एक्सेस डस्ट ऑफ करके अप्लाई कर लूंगी अपने चीक्स पे। सी एकदम से आपको पता चल गया है डिफरेंस, ये वाली साइड देखो और ये वाली साइड देखो कितनी बढ़िया लग रही है। सेम मैं अब दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर लूंगी। तो मैं अब अपनी आई लैशेज को थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए और थोड़ा सा आई लैशेज में क्योंकि मुझे वॉल्यूम भी चाहिए तो मैं यूज करूंगी मेबलिन का कोलोसल मस्कारा और इसको मैं अपनी आईज पे अप्लाई कर लूंगी। इसका ना गॉन्ड बहुत बढ़िया है और ना इसे हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये इजिली नहीं हटता है एक बार लगा लिया तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लूंगी। देखो मेकअप जो है ना वो प्रैक्टिस करने से आता है, मतलब आपके फेस पे क्या सही लगेगा क्या सही नहीं लगेगा वो आपको डिसाइड करना है। और लास्ट स्टेप में मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, ये लिपस्टिक क्रेयॉन है नायका का, मैं ये वाला अपनी लिप्स पे अप्लाई कर लूंगी। तो बस इतना सा ही लिपस्टिक कलर मुझे चाहिए था, अब अपने मैं बाल सेट करने के बाद आपको मिलती हूँ। सो गाइज आई एम बैक और आज का मेकअप जो मैंने किया है वो कुछ ऐसा सा टर्न आउट हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरा फेस कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है और कितना नेचुरल लग रहा है मेकअप, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।